उज्जैन सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिए निर्देश पर होटल संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और बंद कैमरों को चालू करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि उज्जैन सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र और महाकाल थाना क्षेत्र सहित प्रमुख जगह पर कई होटलें संचालित होती है और इन होटल संचालकों को बैठक लेने के बाद निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने होटलों में सीसीटीवी कैमरे चालू रखें और आने जाने वाले यात्रियों की संपूर्ण जानकारी रखें। पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित होने वाली बैठकों में समय पर उपस्थित हो और संपूर्ण जानकारी समय समय पर उपलब्ध करवाएं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बड़े हुए किसी में एक दिन की रिकॉर्डिंग हो रही है, किसी में दो दिन की रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई वो मान लीजिए कोई ग्राहक आ रहा है, जो ग्राहक के चेहरे पर ना हो तो वो रोड पे कर रखा है या किसी दूसरे चीज पे कर रखा है। मेरा उसमें अनुरोध है, अपन ने सीसीटीवी कैमरे केवल इस चीज के लिए लगाया कि कोई व्यक्ति आता है तो वो हमारे कैमरे में कैप्चर हो। अगर उसकी उपयोगिता नहीं हो पा रही है तो फिर उसको लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो उसको रोड वाला जो कैमरा है, रोड वाला जो कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है, होटल से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए हम लोगों ने ना कंटिन्यू होटल चेकिंग की प्रक्रिया शुरू की है। हमारे माननीय एसपी सर के निर्देशानुसार कल पुलिस कंट्रोल रूम में मीटिंग भी हुई थी, जिसमें शहर के सारे होटल संचालकों को आमंत्रित किया गया था और होटल संचालन के संबंध में शासन के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन लागू बनाए गए हैं, लागू किए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। और हमारा जो मेन फोकस है अभी फिलहाल में वो क्राइम रोकने से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमने होटल संचालकों को जो मेन निर्देश दिए हैं कि अपने होटल में जो फ्रंट गेट का कैमरा प्लस काउंटर का कैमरा दोनों बहुत पुख्ता होना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन के होना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी सदस्य आते हैं आपके होटल्स में तो सभी सदस्यों का आपको आईडी कार्ड लेना है, सभी का इंदराज आपको अपने रजिस्टर में करना है। इसके अलावा यदि कोई माइनर पर्सन किसी मेजर पर्सन के साथ आता है, कोई नाबालिग लड़की या लड़का किसी बालिग लड़की या लड़की के साथ आता है तो आपको उसके बारे में जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र को देना है तत्काल। और साथ में यदि कोई लड़की है नाबालिग किसी लड़के के साथ आती है तो उसके पेरेंट्स को भी सूचित करना है उसका नंबर लेके। आपको ये आपकी जिम्मेदारी है जिससे कि जो भी अपराध हैं क्षेत्र में घटित ना हो सके। मेन होटल के लिए यही प्रक्रिया चल रही है, बाकी समय समय पर एवरीडे हमारी सुबह भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।